गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इन द ओवर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज कंटिन्यू करने वाले हैं आज के सेशन को। जैसा कि हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किया था, हम पढ़ रहे हैं सर्वेइंग। सर्वेइंग के अंदर हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हमारा पहला टॉपिक था गोल ऑफ सर्वे क्या होता है, दूसरा टॉपिक था प्राइमरी डिविजन ऑफ सर्वे, तीसरा टॉपिक था सेकेंडरी डिविजन ऑफ सर्वे, जिसमें सर्वे को अलग अलग तरीके से किस टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं उसके बारे में हमने देखा था। तो आपको लास्ट क्लास के अंदर सारी जानकारी मिल गई थी। हमने देखा था कि जो अपना नेचर ऑफ द फील्ड के आधार पर सर्वे क्लासिफाई कर सकते हैं, दूसरा हमने देखा था कि हमारा कोई पर्पज है, पर्पज के आधार पर सर्वे को क्लासिफाई कर सकते हैं, तीसरा हमने देखा था कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसके आधार पर हमने सर्वे को क्लासिफाई किया था। आई होप आपके बात क्लियर होगी। जैसे नेचर ऑफ द फील्ड के आधार पर हमारा जो सर्वे था, लैंड सर्वे था, मेरेन सर्वे था, हाइड्रोग्राफिक सर्वे था। अब लैंड सर्वे को अगेन हमने कैटेगराइज किया था टोपोग्राफिकल सर्वे में, कैडेस्ट्रल सर्वे में, सिटी सर्वे में, और आपका माइन सर्वे वगैरह में, एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे में। तो हमने अलग अलग टाइप के सर्वे को क्लासीफाई किया था, ठीक है, अलग अलग टाइप के सर्वे को। टोपोग्राफिकल सर्वे था, कैडेस्ट्रल सर्वे था, सिटी सर्वे था, और आपका एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे था। माइन सर्वे आपका पर्पज वाले सर्वे में आ जाता है, इंजीनियरिंग सर्वे, माइन सर्वे, मिलिट्री सर्वे, ये सब आपके पर्पज के आधार पर जो सर्वे का क्लासिफिकेशन था उसमें आते हैं। इंस्ट्रूमेंट में कंपास सर्वे, थियोडोलाइट, टैकियोमेट्रिक है ना, टोटल स्टेशन हो गया, ईडीएम हो गया, ये सब आपके आते हैं इंस्ट्रूमेंट वाले में। तो ये हमने देखा था सेकेंडरी डिविजन ऑफ सर्वे के अंतर्गत। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वे की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास, इससे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। पहला है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे में वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, पहले वाले पॉइंट को पहले वाले चीजों को हम देखेंगे। जो हमारा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट है, इस वाले प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बारीकी से देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आजकल बनते हैं, ठीक है, बेसिक रहते हैं लेकिन समझ में आ जाएगा, सब कुछ आपको बहुत आसान लगेगा। तो इसको अच्छे से देखते हैं, आप चाहें तो अपने कॉपी पे इमेज बना सकते हैं। अब क्या लिखा, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब है कि हमें किसी भी एरिया का सर्वे करना है, लेट सपोज आपके पास एक कोई एरिया है, ये आपके पास कोई एरिया है, इस एरिया का आपको सर्वे करना है, यानी पूरा का पूरा एरिया है। तो आप ना क्या करेंगे, सर्वे स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होता है, किसी भी एरिया का सर्वे करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल पॉइंट या फिर मेन स्टेशन पॉइंट बनाए जाते हैं। तो ये आपके कंट्रोल पॉइंट हो गए, ये मान लीजिए आपके कंट्रोल पॉइंट हो गए, ये आपके कंट्रोल पॉइंट हो गए, ये आपके क्या है, कंट्रोल पॉइंट है, फिर मेन स्टेशन पॉइंट कहा जाता है, कंट्रोल पॉइंट या फिर मेन स्टेशन पॉइंट कहा जाता है इन्हें। ये आपके क्या होते हैं, कंट्रोल पॉइंट या फिर मेन स्टेशन पॉइंट होते हैं। ये जैसे ए आपका हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी, ये हमने चार पॉइंट आपको दे दिए। तो किसी भी एरिया का सर्वे करने से पहले सबसे पहले आपको कंट्रोल पॉइंट बनाने होते हैं, मेन स्टेशन पॉइंट बनाने होते हैं, ये आपने बना दिया। इसको बनाने के बाद आपको एक सेंट्रल लाइन ड्रा करनी होती है, जिसे बेस लाइन कहते हैं। ये आपकी सेंट्रल लाइन होती है, ये आपकी सेंट्रल लाइन होती है, फिर इसे बेस लाइन कहते हैं। अच्छा, ये जो आपने कंट्रोल पॉइंट बनाए थे, अभी कंट्रोल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, ये कंट्रोल पॉइंट को जो मिलाने वाली जो लाइन होती है, मेन सर्वे लाइन कहा जाता है। आप इनको मेन स्टेशन पॉइंट कहिए, मेन पॉइंट कह सकते हैं, या फिर कंट्रोल पॉइंट कह सकते हैं, ये आपके ए बी सी डी चारों हो गए, और ये आपकी जो लाइन होती है आपकी मेन सर्वे लाइन होती है। कौन सर्वे लाइन है, मेन सर्वे लाइन, दो पॉइंट को मिलाने वाली, कंट्रोल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे मेन सर्वे लाइन कहा जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये आपकी जो लाइन है, ये आपकी लाइन होती है बेस लाइन। बेस लाइन एक आपकी सेंट्रल लाइन होती है, जो कि सबसे बड़ी लाइन होती है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। फिर मेन सर्वे लाइन से बेस लाइन के ऊपर आपको एक लाइन ड्रा करनी है, मेन सर्वे लाइन से बेस लाइन के ऊपर, ये आपकी मेन सर्वे लाइन है, मेन सर्वे लाइन से बेस लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रा करते हैं, जिसे अपन टाई लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन सर्वे लाइन से बेस लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रा करते हैं, जिसे आप टाई लाइन कहते हैं। मेन सर्वे लाइन से बेस लाइन के ऊपर अपन लाइन ड्रा करते हैं, जिसे अपन टाई लाइन कहते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। फिर आपको क्या करना है, अब मान लीजिए आपने टाई लाइन ड्रा कर दिया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट फील्ड में हो गए। फिर मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनी हुई है, कोई घर बना हुआ है, हम देखेंगे टाई लाइन से कितने दूर पर है, हमने देखा 5 मीटर पे है। तो इस तरीके से लोकेशन का, इस तरीके से उस पर्टिकुलर फीचर का
लोग या फिर आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए कोई पेड़ है, यहाँ कोई पेड़ है, अब इसकी लोकेशन बतानी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन सर्वे लाइन से बेस लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रा करनी है। मेन सर्वे लाइन से बेस लाइन के ऊपर आपने एक लाइन ड्रा की, फिर आप इससे इसकी लोकेशन बता सकते हैं कि आपका जो ए लाइन आपकी तो टाई लाइन हो गई। अब ये टाई लाइन से कितने दूर पर है, 5 मीटर दूर पे, 3 मीटर दूर, कितने दूर पे पेड़ है, तो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी एरिया का सर्वे करने के लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल पॉइंट बनाने हैं, मेन स्टेशन पॉइंट बनाने हैं। उन पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है मेन सर्वे लाइन होती है, जो कि स्ट्रेट होती है। फिर बीच में आप एक सेंट्रल लाइन ड्रा करते हैं पूरे की, जो आपने बाउंड्री बनाई है ना, जो आपने कंट्रोल पॉइंट फिक्स किए, जो आपने एरिया डिफाइन की है, उसके बीच आपको एक सेंट्रल लाइन ड्रा करनी है जिसे बेस लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेस लाइन कहते हैं। फिर मेन सर्वे लाइन से बेस लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रा करते हैं, फिर टाई लाइन कहते हैं। और उस टाई लाइन से आप धीरे धीरे डिटेल को लेते हैं, टाई लाइन से डिटेल को लेते हैं। चीजें क्लियर हो गई। हम देखते हैं कि टाई लाइन से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, उन्हें मेजर करते हैं, फिर अपने जो अपनी फील्ड बुक होती है उस फील्ड बुक में मेंशन कर देते हैं। तो आपने एक चीज देखा कि हमने सबसे पहले पूरे एरिया को कवर किया। सबसे पहले हमने क्या किया, पूरे के पूरे एरिया को कवर किया, फिर हम उसके अंदर जाके डिटेल का मेजरमेंट करते हैं, उसके अंदर डिटेल का रिकॉर्ड देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हमने सबसे पहले पूरे के पूरे एरिया को क्या किया, पूरे एरिया को कवर किया, फिर उसके अंदर जाकर के डिटेल की जो अलग अलग डिटेल है उनकी लोकेशन पता करते हैं, अलग अलग फीचर की लोकेशन पता करते हैं। इसे हम बोलते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी संपूर्ण एरिया को पहले हमने कवर किया, फिर उसके अंदर की हम डिटेल ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक चीज होती है, इसमें इधर कम आएगी, इधर कम होगी, क्योंकि अब देखिए अलग अलग टाइलाइन के थ्रू अलग अलग फीचर का मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इधर आ भी जाती है तो रेक्टिफाई करना बहुत आसान होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 5 मीटर थी, मान लीजिए पेड़ है, इस जो अपने ट्री है, इस ट्री की जो डिस्टेंस है टाई लाइन से 5 मीटर थी, और आपने इसको 4 मीटर मेजर कर लिया, तो आप अगेन इसको मेजरमेंट करके इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, बहुत आसान रहेगा, क्योंकि एक ही मेजरमेंट करना पड़ेगा, मतलब आपको हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन मिलता है, हाई डिग्री प्रिसीजन मिलता है। लेकिन वही पार्ट टू होल होता तो आप किसी एक पार्ट की यानी एक लोकेशन को फ्लड करके संपूर्ण एरिया का सर्वे करते तो जितनी भी इधर होती है इकट्ठा होती जाती है, क्या होती है, इधर इकट्ठा होती जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि हम पार्ट टू होल करें, यदि हम सर्वे होल टू पार्ट ना करके पार्ट टू होल करें तो क्या होगा, पार्ट टू होल करने के लिए किसी एक लोकेशन को फ्लड करना पड़ेगा, किसी एक पार्ट को मेन पॉइंट मानकर सर्वे करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि भैया ये हमारा मेन पॉइंट है, किसी एक पॉइंट को मेन पॉइंट मान करके सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट टू होल का मतलब ये होता है किसी एक पॉइंट को मेन पॉइंट मानकर सर्वे करना होता है। फिर आप मान लीजिए आप सर्वे कर रहे थे, आपने इसकी लोकेशन पता की इस पेड़ की, फिर आपने देखा कि यहाँ पर एक ट्री है इसकी लोकेशन पता की, फिर आपने देखा यहाँ पर कोई तालाब इसकी लोकेशन पता की। तो आपने मान लीजिए यहाँ पर आपने 4 मीटर मेजर कर दिया और आपने 5 मीटर थे, तो अब ये सोचिए कि एक गलती आपने यहाँ की तो उसकी वजह से ये जो रीडिंग आएगी ये भी गलत आएगी, ये भी गलत आएगी, और आगे जितनी भी आप रीडिंग लेने वाले हैं वो सारी की सारी रीडिंग क्या होंगी, गलत आएंगी, सारी की सारी रीडिंग गलत होगी। यानी इरर क्या होती है, एक्यूमुलेटेड होती है, इरर गेट एक्यूमुलेटेड, यानी इरर क्या होती है, इकट्ठा होती जाती है, इरर ऐड होती जाती है, इरर जुड़ती जाती है, जो भी त्रुटि है वो क्या होती है, ऐड होती जाती है। यानी इरर इज क्यूमुलेटिव, क्या होती है, क्यूमुलेटिव, यानी इरर क्या होती है, जुड़ती जाती है पार्ट टू होल में, और होल टू पार्ट में ऐसा नहीं होता। मतलब क्या हो कि इरर हमारी जुड़ती जाती है। तो हम क्या करेंगे, पार्ट टू होल करेंगे, होल टू पार्ट करेंगे, हम होल टू पार्ट करते हैं क्योंकि हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन मिलता है और इधर को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करना बहुत आसान होता है, ये आपका वर्किंग फॉर्म होल टू पार्ट। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी कि होता क्या है क्या नहीं होता, वही चीज़ हमें आपको बतानी थी और हमने आपको बता दी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन के बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बोला कि मेन सर्वे लाइन, ये मेन सर्वे लाइन क्या होती है, ठीक है, ये जो लाइन होती है ना कंट्रोल पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन होती है, लाइन कनेक्टिंग द मेन सर्वे पॉइंट या फिर कंट्रोल पॉइंट इज कॉल्ड मेन सर्वे लाइन। ये लाइन क्या होती है, स्ट्रेट होती है, ये लाइन क्या होती है आपकी, स्ट्रेट होती है, ठीक है। मैंने आपके लिए डिफिनेशन भी लिख रखी है इनकी, ठीक है। मेन सर्वे लाइन क्या होती है, लाइन कनेक्टिंग द मेन सर्वे पॉइंट या फिर स्टेशन इज कॉल्ड मेन सर्वे लाइन। मेन स्टेशन पॉइंट या कंट्रोल पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है मेन सर्वे लाइन कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे बेस लाइन।
बेस लाइन के बारे में जानिए। बेस लाइन क्या होती है? सबसे बड़ी सेंट्रल लाइन होती है, सबसे बड़ी सेंट्रल लाइन होती है जो संपूर्ण एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये आपकी जो लाइन है संपूर्ण एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, संपूर्ण एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, पूरे के पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। इस लाइन को अपन बोलते हैं बेस लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? अपन बेस लाइन बोलते हैं। क्लियर चीज है? तो बेस लाइन की डिफिनेशन समझ में आ रही है कि इट विल बी द बिगेस्ट सेंट्रल लाइन ड्रॉन ऑन द एरिया टू बी सर्वेड विच डिवाइड द होल एरिया इंटू टू पार्ट। अच्छा, अब ऑल द मेजरमेंट टू शो द डिटेल ऑफ द वर्क आर टेकन विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिस लाइन। जितने भी मेजरमेंट करते हैं अपन बेस लाइन के रिस्पेक्ट में करते हैं। बेस लाइन ड्रा करने के लिए टेप आता है इनवायर टेप, इसका यूज करते हैं इनवायर टेप। इनवायर टेप के अंदर हाई एक्यूरेसी मिलती है, हाई एक्यूरेसी मिलती है, इसकी वजह से इस टेप का यूज किया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला टाइप की हमारी जो लाइन है टाई लाइन। टाई लाइन को अपन सब्सिडरी लाइन भी कहते हैं। इस लाइन का काम होता है डिटेल लेना, ऑब्जेक्ट की डिटेल लेने के काम हमारी टाई लाइन करती है, ठीक है। कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एरिया। उस एरिया के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे ट्री हो, हाउस हो, इलेक्ट्रिक पोल हो, फोन बूथ हो, पार्क हो, कुछ भी हो, उन सब की डिटेल लेने के लिए टाई लाइन का काम होता है। इसे सब्सिडरी लाइन भी कहा जाता है, सब्सिडरी लाइन भी कहा जाता है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। आगे हम बात करने वाले हैं प्रूफ लाइन के बारे में। प्रूफ लाइन क्या होती है? प्रूफ लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो मतलब चेकिंग के काम में आती है। देखिए है ना, चेक लाइन या प्रूफ लाइन, ये लाइन क्या होती है? सर्वे एरिया के अंदर ही ड्रा की जाती है। जो अदर लाइन होती है ना उनकी एक्यूरेसी को चेक करने में काम आती है, उनकी एक्यूरेसी चेक करने में काम आती है। ये भी आपकी टाई लाइन जैसा ही कुछ होती है, मतलब दिखा देता हूँ। ये आपका मेन सर्वे लाइन है, तो मेन सर्वे लाइन से बेस लाइन के ऊपर ही ड्रा की जाती है। ये चेक लाइन होती है जो अन सर्वे वर्क का एक्यूरेसी और जो आपने लाइन ड्रा की है उसकी एक्यूरेसी चेक करने में काम आती है, उसकी एक्यूरेसी को चेक करने में काम आती है, ठीक है। और जो मेन सर्वे लाइन से बेस लाइन के ऊपर बनाई जाती है लाइन, वो आपकी टाई लाइन होती है। इसका काम क्या होता है? टू टेक द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिटेल लेने के लिए, है ना, ऑब्जेक्ट का डिटेल लेने के लिए। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अच्छा, हमने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारी बेस लाइन होती है, बेस लाइन को बनाने के लिए हम इनवायर टेप का यूज करते हैं, इनवायर टेप का यूज करते हैं। तो इनवायर टेप के बारे में जानिएगा, इसके अंदर जो होता है 36% निकिल होता है, 36% निकिल होता है और 64% आपका, 64% आपका आयरन होता है, 64% आपका आयरन होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर चीज है? ओके, अगेन हम रिपीट कर देते हैं। पहला हमारा प्रिंसिपल था वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो हमने जाना किसी भी एरिया का सर्वे करने के लिए सबसे पहले उस एरिया की बाउंड्री लाइन फिक्स करनी है। तो बाउंड्री लाइन फिक्स करने के लिए हमें कुछ कंट्रोल पॉइंट या फिर मेन स्टेशन पॉइंट बनाने होते हैं। फिर उन मेन स्टेशन पॉइंट को मिलाने वाले जो लाइन होती है, मेन सर्वे लाइन होती है जो कि स्ट्रेट लाइन होती है। फिर हम बीच में एक सेंट्रल लाइन ड्रा करते हैं जिसे बेस लाइन कहते हैं, उसके लिए अपन इनवायर टेप का यूज करते हैं। फिर सेंट्रल लाइन से फिर मेन सर्वे लाइन से सेंट्रल लाइन पे एक लाइन ड्रा करते हैं फिर टाई लाइन कहते हैं, जो कि डिटेल लेने के काम में आती है। जो चेक लाइन होती है अदर लाइन की एक्यूरेसी को चेक करने में काम आती है, प्रूफ लाइन भी कहा जाता है। आई होप आपको एक चीज क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पास ना दो तीन एडवांटेज, जैसे मैंने बताया कि आपको क्या एडवांटेज होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो जैसे आपने देखा कि पार्ट टू होल करेंगे तो बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी और होल टू पार्ट मीर इकट्ठा नहीं होगी, है ना। अब होल टू पार्ट यहाँ लिखा हुआ, तो होल टू पार्ट वाला जो सेक्शन है, होल टू पार्ट वाला जो सेक्शन है, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उसके बारे में हमने यहाँ पास लिखा है। इसको आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिखी है। और एक एक पॉइंट जो लिखा है ना, जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है वही चीज हमने लिखी है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, वही चीजें यहाँ पास लिखी है, कुछ अलग चीजें नहीं लिखी है। और आपको नहीं समझना है तो मैंने जो बोला है उसको अपने लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। और ये आपका जो किताबों में इमेज दिया रहता है आपको इमेज देखने को मिलेगा, ये सब कुछ वही आपकी किताब में मेन स्टेशन पॉइंट है आपके, है ना, कंट्रोल पॉइंट है। फिर इनको मिलाने वाली जो लाइन है इसको मेन सर्वे लाइन दिखाया गया है ना, ये आपकी जो लाइन होती है मिलाने वाली, ये आपकी मेन सर्वे लाइन होती है ना। ये आपकी जो बीच की लाइन होती है, ये आपकी क्या होती है, बेफ लाइन होती है। ये आपकी चेक लाइन है, ये आपकी टाई लाइन है, ठीक है। ये फिर सबकी लोकेशन दी हुई है, या फिर एक इमेज आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये आप एक इमेज देख सकते हैं। यहाँ भी सेम चीज़ें हैं, ये जो सब क्या है, ये सब आपके मेन स्टेशन पॉइंट है, ठीक है, मेन स्टेशन पॉइंट है। फिर इनको आप एरिया को डिवाइड कर आपने बाउंड्री फिक्स किया,
बीच में आपने बेस लाइन डाल दिया, तो संपूर्ण एरिया को एक पार्ट और दूसरा पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर आपने इस तरीके से मतलब वही चीज़ सब कुछ है, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला अगला पॉइंट हमारा क्या है कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट रेफरेंस, यानी किसी एक पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए, किसी एक पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए। इसमें तो किसी कोई डाउट तो नहीं है जो पहला वाले बताया, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए कम से कम हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए। लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, किसी एक पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए। द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अ पॉइंट टू बी सर्वेड शुड बी लोकेटेड बाय मेजरमेंट फ्रॉम एटलीस्ट टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द पोजिशन ऑफ विच हैव ऑलरेडी बीन फिक्स्ड। मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, हमें किसी एक पॉइंट की लोकेशन बतानी है, समझने की कोशिश करिएगा, हमें किसी एक पॉइंट की लोकेशन बतानी है, हमें इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, तो इसके लिए हमें दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए। ये हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए है, ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है और ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, और जो रेफरेंस पॉइंट है उनके लोकेशन फिक्स्ड है, उनके लोकेशन के बारे में आइडिया है, एक पॉइंट था दूसरा ए पॉइंट बी है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, कोई ना कोई लाइन कनेक्ट करेगी, तो हमें पॉइंट सी की लोकेशन बतानी थी, हमें पॉइंट सी की लोकेशन बतानी है। तो पॉइंट सी की लोकेशन आप कैसे बताएंगे, बताइए पॉइंट सी की लोकेशन कैसे बताएंगे? हमारे पास दो पॉइंट होंगे, अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा हमें कुछ आइडिया दीजिए, कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को। देखिए अब हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, बी से लेके फी तक का मेजरमेंट ले लें कि भाई 5 मीटर है, ठीक है, और ए से लेके फी तक का मेजरमेंट ले लें कि 6 मीटर है, ठीक है, हम मेजरमेंट ले सकते हैं। तो किसी भी एक पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हमने दो पॉइंट, दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए थे। अब इन दोनों रेफरेंस पॉइंट का क्या था, लोकेशन फिक्स था। अब हमने यहाँ क्या किया, हमने लेंथ का मेजरमेंट किया, हमने लेंथ मेजर किया है। यदि आपने लेंथ मेजर किया तो आप इसे क्या बोलेंगे, चैन सर्वे। क्या बोलेंगे, यदि आपने लेंथ मेजर किया है तो इसे अपन बोलेंगे चैन सर्वे, यदि आपने लेंथ का मेजरमेंट किया है तो इसे बोलेंगे चैन सर्वे। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, किसी को कोई भी डाउट है तो बता सकते हैं, है ना, चैन सर्वे बोलते हैं। अब अपने पास फील्ड बुक होगी तो हम लिख देंगे कि भाई हमारा ए से जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है और जो हमारा बी से डिस्टेंस है वो आपका कितने मीटर है, 5 मीटर है, कितने मीटर है, 5 मीटर है। ये आप क्या करते हैं, फील्ड बुक के अंदर नोट कर देते हैं, ये आपका फील्ड बुक के अंदर आप जाके नोट कर देते हैं, ये आपका चैन सर्वे होता है। ठीक है, अब आपने ऐसा किया कि आपने दो पॉइंट की लोकेशन आपकी फिक्स थी, ठीक है, ए पॉइंट और ये आपका पॉइंट, पॉइंट सी की लोकेशन बतानी थी आपको, आपको क्या करना होगा, पॉइंट सी की लोकेशन बताने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आप यहाँ पे ना लेंथ मेजर ना करके आपने एंगल मेजर कर दिया, ए और बी पॉइंट से आपने एंगल मेजर कर दिया, ए आपका थीटा एंगल, ठीक है, ए आपका थीटा बी एंगल, आपने एंगल मेजर कर दिया, इसे बोलते हैं क्या, उसको आपने चैन सर्वे बोला, इसको आप बोलते हैं कंपास सर्वे। क्या बोलते हैं, कंपास सर्वे, इसे अपन क्या बोलते हैं, कंपास सर्वे। तो चैन सर्वे क्या होता है, चैन सर्वे के अंदर अपन लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, कंपास सर्वे के अंदर अपन एंगल का मेजरमेंट करते हैं, किसका, एंगल का मेजरमेंट करते हैं, इसमें एंगल का मेजरमेंट करते हैं और इसमें लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। या फिर ऐसा भी तो हो सकता था कि हमारे पास कोई पॉइंट है, जैसे ए पॉइंट हमारे पास है, अभी पॉइंट लोकेशन बताने थे, हमारे पास दो पॉइंट थे, एक ए था और बी, हमारे पास पहले से दो पॉइंट है, तो एक बार आपका मन किया कि भाई हमें एंगल मेजर करना है और आपने एक बार लेंथ मेजर किया, यहाँ पास आपने लेंथ मेजर की हुई कि यहाँ से 5 मीटर दूरी पर है और आपने यहाँ से एंगल मेजर कर लिया, जस्ट अ मिनट, थोड़ा लैपटॉप कुछ हुआ था, ओके। तो आपने क्या किया, यहाँ पास आपने एक बार लेंथ मेजर किया और आपने यहाँ पास एंगल मेजर कर लिया, ये आपने थीटा भी मेजर कर लिया, इसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रैवर्स सर्वे। क्या बोलते हैं, ट्रैवर्स सर्वे, ट्रैवर्स सर्वे बोलते हैं, क्लियर चीजें। तो ये आपको तीन चीजें मैंने बता दी। अगला पॉइंट, अगला सिचुएशन क्या हो सकता है कि हमारे पास दो पॉइंट की लोकेशन फिक्स थी, ए की और बी की, सी की लोकेशन बतानी थी, तो आपने इसके बीच मिड से, इस लाइन के बीच मिड से आपने क्या किया, एक ऑफसेट ले लिया, आपने एक पॉइंट यहाँ से ऑफसेट ले लिया, हमने क्या किया, अब हम यहाँ हमने क्या किया ना, सबसे पहले हमने क्या किया कि इसके बीच से, यानी हमने बी से डी मान लीजिए पॉइंट है,
बी से डी तक का लेंथ मेजर किया, फिर हमने एक ऑफसेट ले लिया, इसे बोलते हैं ऑफसेट सर्वे। क्या बोलते हैं? ऑफसेट सर्वे। क्या बोलते हैं? ऑफसेट सर्वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफसेट सर्वे बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, इतनी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है अभी, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताई है। ठीक है, ये आपका आता है, मैंने इमेज भी यहाँ पास दे रखा है आपको, ठीक है, कि अलग अलग केसेस के अंदर, जैसे आपने यहाँ पास, ये आपका चैन सर्वे केस है, आपने लेंथ मेजर किया तो चैन सर्वे हो जाएगा, ये आपका ऑफसेट सर्वे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अलग अलग केसेस दिया है, जो मैंने अभी बताया वही सारे केसेस यहाँ पास दिए हुए हैं। क्लियर है? जब आप लेंथ मेजर करते तो चैन सर्वे होता है, जब आप एंगल मेजर करते तो कंपास सर्वे होता है, जब आप एक एंगल और एक लेंथ मेजर करते तो ट्रैवर्स सर्वे होता है। ठीक है, ये आपका ऑफसेट सर्वे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पास एक लेंथ और हमने एक एंगल मेजर किया। ठीक है, किसी भी पॉइंट को स्टेब्लिश करने के लिए हमें दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं ना, एक रेफरेंस पॉइंट हमने लेंथ मेजर कर लिया और एक रेफरेंस पॉइंट हमने एंगल मेजर कर लिया। तो अब आपसे कोई पूछे कि भैया प्रिंसिपल बता दो सर्वे का, तो आपको बताना है कि दो प्रिंसिपल होते हैं। पहला होता है किसी भी एरिया का सर्वे करने से करने के लिए संपूर्ण एरिया को एक हम बाउंड्री लाइन के अंदर फिक्स करते हैं, उसके लिए हमें कंट्रोल पॉइंट बनाने होते हैं। उन कंट्रोल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है मेन सर्वे लाइन होती है, ये आपका होल टू पार्ट वाला सिचुएशन होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि किसी एक पॉइंट को लोकेशन को बताने के लिए हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए होती है, और रेफरेंस पॉइंट कौन से होते हैं जिनके लोकेशन के बारे में हमें क्या जानकारी होती है ना। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम इट्स टू फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, है ना, दो पॉइंट के रेफरेंस से मेजर किया जाता है। आई होप आपको ये दोनों प्रिंसिपल में थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। ठीक है, दोनों प्रिंसिपल में थोड़ी क्लैरिटी आई होगी, किसी कोई डाउट तो नहीं है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छे से आप इनको अच्छे से कर पाएंगे। अगला टॉपिक और आगे हम अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, अगला टॉपिक कुछ और अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन तो हमने करवा ही दिया था आप लोगों को, ठीक है, क्वेश्चन तो करवा दिया था ना। सारे क्वेश्चन तो करवा ही दिए थे ना, सारे क्वेश्चन तो करवा दिए थे। सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ओके, ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था, इसके बारे में हमने कवर किया आपके लिए, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे के बारे में। अगला जो टॉपिक हमारा आता है, इस पर हमने जो लिखवाया था यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, बट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट तो आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, बहुत आसान टॉपिक है, हम करवा देंगे। उससे पहले हमें स्केल के बारे में जानना होगा, क्योंकि यदि हम स्केल के बारे में नहीं जानेंगे तो प्लान और मैप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए स्केल के बारे में जानना होगा। उससे पहले आपको स्केल के बारे में जानना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, पता नहीं उस क्लास लास्ट क्लास में हो पाए थे कि नहीं हो पाए थे, जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना उन क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। पहला क्या है, इन अ जियोडेटिक सर्वे द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड। जब अपन जियोडेटिक सर्वे करते हैं तो जो दो पॉइंट के बीच, दो लाइन के बीच में, दो पॉइंट की जो लाइन होती है वो अपन लाइन कर्व लाइन कंसिडर करते हैं। ये हमारी जो लाइन होती है ना कर्व्ड होती है, क्या होती है? कर्व्ड होती है। जबकि हमारा जो प्लेन सर्वे के केस में जो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, तो जियोडेटिक सर्वे केस में जो सर्फेस ऑफ द अर्थ होता है वो कर्व्ड कंसिडर किया जाता है, और इन केस ऑफ प्लेन सर्वे, ये आपका जियोडेटिक सर्वे था, जियोडेटिक सर्वे था। ठीक है, ये आपका प्लेन सर्वे था, ये आपका प्लेन सर्वे था, ये आपका दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना हॉरिजॉन्टल होती है, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट तो मैंने इसके बारे में बताया था, जो प्लम्ब ऑफ लाइन होती है इनके जियोडेटिक सर्वे क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है सेंटर ऑफ अर्थ पे, क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। और जो अपना प्लेन सर्वेइंग होता है उसमें क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती है। सारे क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सर्वे, द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इन टू अकाउंट। एक ऐसा टाइप का सर्वे जिसमें अर्थ कर्वेचर को कंसिडर किया जाता है, अर्थ कर्वेचर को जो कंसिडर किया जाता है वो आपका जियोडेटिक सर्वे होता है। टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है? ये आपका सर्वे का सेकेंडरी डिविजन के अंदर आता है, सर्वे के सेकेंडरी डिविजन में आता है, सेकेंडरी डिविजन में आता है। सेकेंडरी में भी नेचर ऑफ द फील्ड के आधार पर जो सर्वे का टाइप होते हैं लैंड सर्वे, उस लैंड सर्वे का जो क्लासिफिकेशन होता है टोपोग्राफिकल होता है, फिटी होता है, कैडस्ट्रल होता है, वो आपका टोपोग्राफिकल सर्वे में आता है। टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर उस एरिया का टोपोग्राफी के बारे में जानते हैं, चाहे वो नेचुरल फीचर हो है ना, फिर आर्टिफिशियल फीचर हो, ठीक है, चाहे कोई बिल्डिंग हो, कोई चाहे तालाब हो, अलग अलग टाइप के फीचर, उनके बारे में टोपोग्राफी के बारे में जानते हैं।
प्रिलिमिनरी सर्वे आपका प्लान सर्वे और ज्योडेटिक सर्वे के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भाई प्रिलिमिनरी सर्वेइंग में यदि हम अर्थ कर्वेचर अपर्थ को कंसिडर करेंगे दोनों आ जाएंगे ना, प्लेन और ज्योडेटिक, तो वी कैन नॉट से दैट, क्योंकि प्लेन सर्वे तो कंसिडर नहीं करते हैं, और जो प्लेन एंड ज्योडेटिक है ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, प्रिलिमिनरी सर्वे के होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द मीन स्क्वायर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड। मीन स्क्वायर ऑफ अर्थ जिसके अंदर कंसिडर किया जाता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। क्या होता है? जियोडेटिक सर्वेइंग होता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील करता है किसके ऊपर, लार्जर वाटर बॉडीज के ऊपर, यानी जो पानी से रिलेटेड चीजें होती है उसके बारे में जानकारी के लिए अपन हाइड्रोग्राफिक सर्वे पे मेरीन सर्वे करते हैं, मेरीन सर्वे करते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे पे क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है, इन पॉइंट को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इस टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर स्केल वाले टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। तब तक इसको अच्छे से देख के नोट्स बना लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।